हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फोन एंड मॉडेम इस सेटिंग के बारे में बात करेंगे। आखिर ये होता क्या है और इसका विंडोज 10 में काम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ आप इस वाले सेटिंग तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट केवल इसी वीडियो को देखने आए होंगे। मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर है जो मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो पता है यहाँ पे आना कैसा है। नए लोगों को मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आप आएंगे कैसे, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। दोस्तों फ़ोन एंड मॉडेम वाली सेटिंग तक पहुँचने के लिए आप नीचे यहाँ देखिए सर्चिंग का ऑप्शन होगा, या पे यहाँ पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो ये स्टार्ट बटन पे आइए, यहाँ पे आपको सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे यहाँ से आपको कंट्रोल पैनल लिख देना है, यहाँ से कंट्रोल पैनल लिखिए और कंट्रोल पैनल में यहाँ से चले जाइए। कंट्रोल पैनल में आने के बाद दोस्तों ये व्यू बाय में आपको स्मॉल आइकन पे रखना है, तभी आपको एक ऐसा पेज देखेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन एंड मॉडेम ये वाली सेटिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए एक ऐसा पेज आ गया। तो दोस्तों आखिर इस पेज से होता क्या है, आखिर ये किस लिए दिया गया, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसके अंदर की चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के ज़माने में अगर आपको अपने फ़ोन से कॉल करना है या इंटरनेट चलाना है तो काफ़ी ईजी हो गया है। दोस्तों अगर आपको इंटरनेट चलाना है अपने आज के ज़माने में अपने मोबाइल में, तो सिंपली आप अपने मोबाइल में इंटरनेट पैक भरवाइए, सिंपली इंटरनेट चला सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको किसी को कॉल करना है तो सिंपली जिसको भी कॉल करना है उसका नंबर डायल करिए और कॉल करके उनसे बात कर लीजिए। लेकिन दोस्तों पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, अगर हमको किसी को कॉल करना था या अपने डिवाइस में इंटरनेट चलाना था तो उसके लिए हमको बहुत दिक्कतें आती थी। कॉल करना और अपने डिवाइस में इंटरनेट चलाना पुराने ज़माने में काफ़ी इजी नहीं होता था, काफ़ी कठिन काम होता था। तो दोस्तों उस ज़माने में पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर अपने स्टार्टिंग फेज़ में था उस समय कॉलिंग करने के लिए इस वाले ऑप्शन का यूज़ किया जाता था। आज के ज़माने में इस वाले ऑप्शन का यूज़ नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे ये कॉलिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता था। तो दोस्तों इसको कॉलिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता था मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका उस ज़माने में यूज़ कैसे होता था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ती थी। तो यहाँ से आप जिस भी कंट्री में रहते हैं सिंपली उसकी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे इंडिया है। उसके बाद दोस्तों आपके एरिया का जो भी कोड होता था, जैसे हर एरिया का अपना एक पिन कोड होता है ना, तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालना पड़ता था। तो यहाँ पे जो भी पिन कोड होता था लोग भर दिया करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपको कैरियर कोड मिलता था। दोस्तों जो जो कंपनी उस ज़माने में वो टेलीफोन की सुविधा या इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करवाती थी, जैसे आज के ज़माने में एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है भी है, ये हमको क्या करती है कॉलिंग और इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। दोस्तों उस ज़माने में तारों के माध्यम से हमको इंटरनेट मिलता था या कॉलिंग मिलती थी। जगह जगह खंभे पे तार लगे होते थे, उसी तार के थ्रू हमको इंटरनेट मिलता था और कॉलिंग मिलती थी। तो दोस्तों जो वो इंटरनेट और कॉलिंग वाले फीचर प्रोवाइड करवाते थे उनका एक अपना एक कोड होता था, उसी को हम बोलते थे कैरियर कोड। तो दोस्तों हमको यहाँ पे कैरियर कोड डालना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों हमको जिसको भी कॉल करना था उसको यहाँ पे नंबर डालना पड़ता था। दोस्तों मान लीजिए हमने कैरियर कोड डाल दिया, उसके बाद जिसको भी अगर आपको उस ज़माने में कॉल करना पड़ता था उसका यहाँ पे हमको नंबर डालना पड़ता था। नंबर डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें सेटिंग करनी पड़ती थी, एक होता है टोन डायलिंग और होता है पल्स डायलिंग। तो आखिर ये टोन डायलिंग और पल्स डायलिंग क्या होती है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों उस ज़माने पर जिसके पास ये वाला फ़ोन होता था इनको बोलते थे टोन डायलिंग। टोन डायलिंग में होता क्या था, हम डायरेक्ट उस नंबर को प्रेस कर देते थे जिसको कॉल करना है, हम नंबर प्रेस कर करके उनको कॉलिंग कर सकते थे। लेकिन दोस्तों जिनके पास ये वाला फ़ोन था जिनके अंदर उंगली डाल के घुमाया जाता था, इस टाइप के फ़ोन को उस ज़माने में पल्स डायलिंग फ़ोन कहा जाता था। तो टोन डायलिंग वाले पे क्लिक करते थे और पल्स डायलिंग वाला पल्स वाले पे क्लिक करते थे। यही दोस्तों इसका काम हुआ करता था उस टाइम पे, यानी टोन डायलिंग बटन वाले और पल्स डायलिंग वाले उंगली डाल के घुमाने वाले। ये सेटिंग करने के बाद वो सिंपली ओके करके उस एरिया से यानी वहाँ पे नंबर डायल वगैरह कर लेते थे। तो दोस्तों यही इस ऑप्शन का काम होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये फ़ोन एंड मॉडेम वाला वीडियो समझ में आया, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने लगभग बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।